अच्छा खाना सीखने के लिए मेहंदी डिजाइन, दुल्हन का मेकअप सब सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मटर की कचौड़ी, हरे मटर की। सबसे पहले हम मैदा लेंगे 2 कटोरी, अपने अनुसार जितना आपको बनाना है। थोड़ी सी सूजी लेंगे, आधे से भी आधे कटोरी। फिर स्वाद अनुसार नमक से अच्छी तरह मिलाकर इसे गूथ लेंगे, ना ज़्यादा गीला ना टाइट, बराबर में। ये देखिए अच्छी तरह टाइट ही रहना चाहिए आटा, देखिए गीला तो बिल्कुल मत करिएगा। ये देखिए हमारे आटा गूंथ के रेडी है। अब इसे हम रख देंगे 10 मिनट या 15 मिनट के लिए। अब हम कढ़ाई में तेल डाल दिए, अब इसमें थोड़े जीरा, कटी हुई प्याज ब्राउन होते तक भूनेंगे। देखिए ब्राउन हो गया। अब 1 चम्मच मिर्ची पिसी हुई लाल, आधी चम्मच हल्दी, ये धना है पिसा हुआ 1 चम्मच, ये गरम मसाला थोड़ी सी, ये चाट मसाला हो तो चाट मसाला डाल दो थोड़ी सी, या आमचूर है तो आमचूर डाल दी थोड़ी सी। अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे 1-2 सेकंड के लिए। ये तैयार है। अब इसमें हम सारे हरा मटर डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसमें भी देखिए। अब इसे अच्छी तरह चला लेंगे 2 मिनट तक, ताकि ये आपस में मसाले पूरे मटर में पड़ सके। इसे आप दबा भी सकते हो मटर को, जैसे मैं दबा रही हूँ, ताकि कचौड़ी अच्छी तरह बने, मैश हो जाए मटर। देखिए ये रेडी है हमारा। अब हम कढ़ाई में फिर तेल डालेंगे और इसे 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे गरम होते तक। अब मैं लोई बना रही हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं आटा लगा ली गेहूं का बर्तन। अब इसे हाथ के द्वारा, अंगूठा के द्वारा धीरे धीरे बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हम मसाला भरेंगे मटर की, जो हम तैयार किए हैं। देखिए अब धीरे धीरे उठा के अंगूठा के सहायता से ऊपर की ओर करेंगे। इसका मुंह हम बंद करेंगे धीरे धीरे पकड़ पकड़ के। देखिए से हम पकड़ के फिर ऊपर की ओर यूं घुमा के आधा निकाल देंगे और इसे हल्का सा दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। चाहे तो हम आटा का परता लगा के हल्का बेलन भी चला सकते हैं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, हल्के हाथ से ही, ज़्यादा जोर से नहीं। देखिए हमारा ये कचौड़ी बनके तैयार है, टिक्की उसका। अब हम तेल में धीरे धीरे कचौड़ी को डालेंगे तलने के लिए, धीमी आंच में पकाएंगे इसे।
ब्राउन होते तक, ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक सके। 5 मिनट तक हल्के आंच में। और हल्के हल्के अपने हाथों से धीरे धीरे पलटाते रहेंगे चम्मच की सहायता से। ये हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल रही हूँ। बाकी भी ऐसे ही तल के निकाल लेंगे। ये हमारी कचौड़ी मटर की रेडी है, देखिए। इसे किसी साथ भी खाइए, चिली सॉस, टमाटर सॉस, या अपने हाथ से चटनी बना लो, बहुत टेस्टी है। ये देखिए, आप भी घर पे जरूर बनाएं।